तो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खिड़की एक्सटेंशन में विदेशी महिलाओं से बदसलूकी और पुलिस से झड़प के मामले की जांच कर रहा न्यायिक आयोग आज अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंप सकता है। सूत्रों के मुताबिक सोमनाथ भारती के व्यवहार को आपत्तिजनक बताया गया है। सोमनाथ भारती का व्यवहार आपत्तिजनक था। खिड़की एक्सटेंशन में सोमनाथ भारती ने जो हंगामा खड़ा किया था और उसके बाद पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में पुलिस से उलझने का भी मामला उन पर है और अब एलजी को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी न्यायिक आयोग की तरफ से आज। हमारे साथ इस वक्त हमारे सिटी रिपोर्टर अरविंद खोकर जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरविंद, अब क्या कुछ तमाम मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहां पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, वो गडकरी ने जो याचिका डाली थी वो उसको भी कानून शिकंजा कसता जा रहा है। इसके साथ साथ जो खिड़की एक्सटेंशन के मामले में जो रेड मारी थी सोमनाथ भारती ने, बड़ी विवादित रेड रही थी वो, वहां पर सेक्स रैकेट और ड्रग को लेकर के, उस वाले मसले में जब काफी विवाद ने तूल पकड़ा था तो एलजी ने एक न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के जो गृह विभाग है उसको सौंप दी है। और जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उस रिपोर्ट में माना गया है कि जिस तरह से सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने वहाँ जो युगांडन जो विदेशी जो महिला मौजूद थी उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था, जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। गृह विभाग, दिल्ली सरकार का गृह विभाग अपना जिसमें कवरिंग नोट तैयार कर रहा है, कवरिंग नोट के लगने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है आज करीब एक से दो के बीच में लंच टाइम के बाद ये एलजी को रिपोर्ट ये सौंपी जा सकती है। जी अरविंद, सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि सोमनाथ भारती का जो रवैया था उस दौरान वो आपत्तिजनक बताया गया और इस पर अगर कार्रवाई हुई तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अगर ऐसा हुआ जैसे सूत्रगत जानकारी जो दे रहे हैं, अगर ऐसा सच हुआ तो कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ जाएंगी, क्योंकि मामला ये राजनीतिक में होकर के एक कानूनी पेचपेच में फंसा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है एलजी का अधीन काम करती है और ये एलजी के आदेश के बाद ही ये जांच आयोग का गठन किया गया था। अगर जांच आयोग इसमें सोमनाथ भारती को कहीं ना कहीं दोषी मानता है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सोमनाथ भारती के खिलाफ निश्चित रूप से होगी। ठीक है अरविंद, बने रहिए। एक बार फिर से खबर बता दें कि किस तरह से सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप उन पर लगा है। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में पुलिस से ये झड़प का मामला था जिसमें न्यायिक आयोग आज एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद इस दिशा में उन पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कार्रवाई हुई तो मुश्किलें बढ़नी सोमनाथ भारती की तय है।